Good morning, everyone. Continuing with our next topic of the chapter number 9, credit creation, that is process of credit creation. Credit creation ke process ko hum do parts mein study karte hain. Pehla, jab hum ye maan rahe hain ki entire banking system mein ek single bank hai. Dusra, multiple banking system, jahan par hum ye maan rahe hain कि बैंकिंग सिस्टम में कंट्री के मल्टीपल बैंक्स हैं. जो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है वही जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है आपको देखने को मिलती है कंट्रीज में, क्योंकि सिंगल बैंकिंग सिस्टम किसी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो सिंगल बैंकिंग सिस्टम का मतलब है जहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक है इकोनॉमी में और सारी ट्रांजेक्शन्स उस बैंक के थ्रू हो रही है. अब ये जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का अंडर बैंकिंग सिस्टम, हम चाहे बैंकिंग सिंगल सिस्टम में बात करें या मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में बात करें, वही प्रोसेस आपको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. प्रोसेस सेम है लेकिन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उसे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. तो सबसे पहला हम जो इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर. बैंक्स क्रिएट करते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट. हम पहले ही ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब इसी को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो कैसे समझेंगे. एक पर्सन है, उसने बैंक में जमा करवाए 1000 रुपये. वो जो 1000 रुपये थे वो क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट है बैंक का. अब बैंक को पता है कि सारे डिपॉजिटर एक ही टाइम पे पैसा नहीं निकलवाते, तो जो बैंक है जो अपने अंदाजे से या जो कंट्री में कैश रिजर्व रेशो जो सेंट्रल बैंक ने रखी हुई है, सपोज हम कहते हैं कि जो बैंक है वो 10% जो टोटल डिपॉजिट उसके पास है कैश की फॉर्म में उसे अपने पास रखता है रिजर्व की फॉर्म में, और बाकी जो अमाउंट बचा उसे दे देता है एज अ लोन. तो इसका मतलब जो 1000 रुपये बैंक के पास हैं, 1000 में इसका 10% मतलब 100 रुपये उसने अपने पास रखे एज अ कैश रिजर्व, ताकि जो भी नीड्स हैं अगर कोई कस्टमर पैसा निकलवाने आए तो वो 100 रुपये में से जो है उसकी नीड को फुलफिल कर दे. और जो बाकी का अमाउंट बचा, रिमेनिंग अमाउंट 900 जो बचा, उसने एज अ लोन दे दिया मिस्टर ए को. अब उसने एज अ लोन दिया मिस्टर ए को, तो मतलब जो मिस्टर ए है अगर उसे अपने लोन अकाउंट से पेमेंट करनी है तो उसे सिर्फ चेक से करनी है, वो कैश में नहीं करेगा. तो जो बैंक है उसने लोन में कैश नहीं दिया, उसने एक अकाउंट ओपन कर दिया और उसके अकाउंट में 900 रुपीज़ डाल दिए, और बैंक ने परमिट किया मिस्टर ए को कि आप चेक इशू करके ये जो 900 रुपीज़ है इसे आप यूज़ कर सकते हैं. हम कहते हैं कि जो मिस्टर ए है उसने 900 रुपीज़ देने हैं मिस्टर बी को, तो वो क्या करता है, एक चेक इशू कर देता है बी को और 900 का जो चेक है उसे दे देता है और अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर लेता है. अब मिस्टर बी के पास चेक आ गया, मिस्टर बी उस चेक को डिपॉजिट करवाएगा, बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, लेकिन हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिंगल बैंकिंग सिस्टम, मतलब उसी बैंक में मिस्टर बी जो है अपना चेक जो है सेम अमाउंट का, सेम बैंक का 900 रुपीज़ का वो डिपॉजिट करवा देगा. अब बैंक मिस्टर ए के अकाउंट से डेबिट कर देगा 900 रुपीज़, उसके अकाउंट से निकल गए, और उसी सेम अमाउंट को क्रेडिट कर देगा मिस्टर बी को, मिस्टर बी के अकाउंट में. तो इससे जो डिपॉजिट था बैंक का वो इंक्रीज कितने अमाउंट से हुआ, 900 रुपीज़ से, जो मिस्टर बी ने बैंक में डिपॉजिट करवाए थ्रू चेक. जो बैंक अब सेम चीज़ आगे चलेगी, 900 रुपीज़ का डिपॉजिट बैंक के पास क्रिएट हो गया अगेन. अब बैंक उस 900 में से 10% डिपॉजिट एज अ रिजर्व रखेगा और बाकी 810 रुपीज़ का जो लोन है वो दे देगा अगले बॉरोअर को. सपोज मिस्टर सी है, मिस्टर सी को उसने एज अ लोन की फॉर्म में पैसा दे दिया. अब मिस्टर सी को देने हैं मिस्टर डी को 810 रुपये, और वो किसके थ्रू पे कर सकता है, सिर्फ चेक के थ्रू, उसने उसको चेक दे दिया.
अब चेक रिसीव करने के बाद मिस्टर डी जो है वो फिर सेम अकाउंट सेम बैंक में जो है अपना डिपॉजिट उस चेक को करवा देता है। अब फिर अगेन जो बैंक है डेबिट कर देगा मिस्टर सी का अकाउंट और क्रेडिट कर देगा मिस्टर डी का अकाउंट, और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक होता रहेगा। तो ये आपको एग्जांपल जो आपने अभी ये देखा इसमें हो क्या रहा है, लोन से डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है और उस डिपॉजिट से लोन क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स क्रिएट लोन। तो यहाँ पे जो टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जो टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा वो होगा 9,000 रुपीज़। ये सेकेंडरी जो हम डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो जो 9,000 आपका क्रेडिट है वो क्रिएट होगा। तो जो टोटल बैंक डिपॉजिट है वो हमने जो ऊपर फॉर्मूला किया था वो क्या था, इनिशियल जो प्राइमरी डिपॉजिट है प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, वो आपका टोटल डिपॉजिट है। तो प्राइमरी डिपॉजिट था आपका 1,000, सेकेंडरी डिपॉजिट जो क्रिएट हुआ वो हुआ आपका 9,000, तो टोटल डिपॉजिट जो आपका क्रिएट हुआ दैट इज 10,000। तो जो फर्स्ट राउंड में 1,000 रुपीज़ थे आपके पास कैश रिजर्व रखा, इसी चीज़ को हम जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा इसी चीज़ को हम टेबल फॉर्म में देख रहे हैं, 1,000 रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट था, कैश रिजर्व 100 था, लोन आपने दिया 900 का, तो सेकेंडरी डिपॉजिट आपने 900 का क्रिएट किया। सेकेंड राउंड में 900 आपके पास डिपॉजिट की फॉर्म में आ गए, कैश रिजर्व आपने रखा 90 और डिपॉजिट क्रिएट कर दिया आपने 810 का। थर्ड राउंड में 810 आपके पास डिपॉजिट की फॉर्म में आ गए, कैश रिजर्व आपने रखा 81 का और लोन और सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हुआ आपका 729 का। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो आपका लोन और सेकेंडरी डिपॉजिट है वो 9,000 नहीं हो जाता। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट इक्वेशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे हम देखेंगे किस एंगल से, क्रेडिट इक्वेशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर की इक्वेशन से। तो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन डी। अब इसी चीज़ को हम देख रहे हैं 1/r क्या होता है, हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर। अगर चेंज होता है प्राइमरी डिपॉजिट में तो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा पी से, अगर चेंज होता है टोटल डिपॉजिट में तो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा डी से। तो कैश रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी एंड इट इज इक्वल टू 1/r, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट राउंड में जब 1,000 रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट आपके पास है और कैश रिजर्व रेशियो है आपकी 10%, तो इंक्रीज जो प्राइमरी डिपॉजिट में हुआ 1,000 का, तो उससे कितना इंक्रीज होगा सेकेंडरी डिपॉजिट का, 1,000 × 9/10 मतलब 900। तो क्रेडिट 900 रुपीज़ का क्रिएट होगा। देन सेम अगेन थर्ड राउंड में 900 आपके पास डिपॉजिट है, 900 से कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, 900 × 9/10 810 एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। और टोटल इंक्रीज बैंक डिपॉजिट में कितना हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में जितना था, सेकेंडरी डिपॉजिट सेकेंड राउंड में जितना क्रिएट हुआ, थर्ड राउंड में जितना क्रिएट हुआ एंड इट विल कॉन्टिन्यू टिल द nth राउंड। इसी चीज़ को इन्होंने फॉर्मूला में एक्सप्रेस किया गया है कि टोटल डिपॉजिट आपका ये 1,900, 810, 729 एंड कॉन्टिन्यू जो आपका क्रिएट हो रहा है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, 1,000 + 9/10 × 1,000 + 9/10⁻²⁻⁹ × 1,000। ये फर्स्ट राउंड में, ये सेकेंड राउंड में, ये थर्ड राउंड में, तो टोटल जो क्रेडिट क्रिएट होगा आपका वो होगा 10,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। उसी चीज़ को हम उसी प्रोसेस को बैलेंस शीट की फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो वो कैसे है, फर्स्ट जो था
बैंक में जमा हुआ प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ का, तो आपके पास कैश रिजर्व भी कितना है, 1000 है। देन उसके बाद बैंक ने लेंड किया, लोन की फॉर्म में दिया 900 रुपीज़, तो 900 रुपीज़ उसने दिया लोन की फॉर्म में, और वही 900 रुपीज़ जो पर्सन था उसने आगे चेक की फॉर्म में देके अपनी लायबिलिटी कंप्लीट की, और जिसको दिया उसने चेक, उसने वो चेक जमा करवा दिया बैंक में, तो बैंक में भी डिपॉजिट क्रिएट हो गया 900 का। एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल जो आपका क्रेडिट क्रिएशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये लोन फर्स्ट में 900, सेकंड में 810, थर्ड में 729, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल जो आपका टोटल क्रेडिट क्रिएट है वो, टोटल जो डिपॉजिट है आपका 10,000 नहीं हो जाता। ये था हमारा सिंगल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। नेक्स्ट जो है दैट इज क्रेडिट क्रिएशन इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।